आप सभी को नीमतला शमशान की वो घटना याद तो है ना, जहां सबों का अंतिम संस्कार करते वक्त कई भूतिया कांड घटते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन भयानक घटनाओं की शुरुआत कैसे हुई? आज से कुछ वर्ष पहले। विशुदा, ओ विशुदा, विशुदा, जल्दी चलो, शमशान घाट जाना पड़ेगा। नगेन के भांजी शिवली कल रात को तेज बुखार से मर गई। कुछ दिनों से उसकी तेज बुखार थी। हाय राम, इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की गुजर गई। यह क्या बोल रहे हो नेताई? फिर एक लड़की? जानते नहीं, उधर कोई लड़की या लड़के का शव लेके जाने से, अरे याद नहीं है पिछले बार हरिन मास्टर का बेटे का शव लेके जाने के समय उधर क्या क्या हुआ था? सब कुछ याद है, लेकिन क्या करे, शव को तो लेके जाना ही पड़ेगा। चलो फिर दिन के उजाले में सारे काम अच्छे से निपट लेते हैं। इतना कहकर वो सभी छोटी बच्ची के शव को लेकर नीमतला शमशान की ओर निकल गए। बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल। वो लोग सब को लेकर शमशान पहुंच के चिता में आग लगाते ही पिछली बार की तरह शुरू हो जाता है भयानक भूतिया तंडव। अचानक पूरा शमशान घाट अंधेरे में डूब गया। तेज तूफान के साथ बारिश होने लगी। पेड़ के शाखाए टूट के गिरने लगे। न जाने कहां से कुछ नस्वर खोपड़िया उड़ते हुए आते हैं और डरावनी हंसी हंसने लगे। और ये सब देख के गांव के सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। शिवली की लाश वहीं पड़ी रही। वो सब आज तक इस शमशान घाट में गांव के किसी भी बच्चे के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर सके। ऐसी भयानक घटना घटते हैं कि उन्हें लाश को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ता था। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि छोड़कर आए हुए वो लाश के साथ क्या होता है। सिर्फ भागने के समय उन्हें शमशान से एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई देती है। सारे इस लाश को यही छोड़कर भाग गए। डायन चुड़ल, जा जल्दी, जा जल्दी, जाके उस लाश को उठा के मेरे पास ले आ। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अगर मैं 100 बच्चों की लाश लेकर अपनी तंत्र साधना पूरी कर सकूं, तभी मैं बन जाऊंगी सबसे ताकतवर तंत्र साधिका। इसके बाद तंत्र साधिका की दो चेले चूड़ल और डायन जाके वो लाश उठा के ले आते हैं। फिर पूरी रात यज्ञ करते हुए सुबह हो जाती है। अरे काम चोर कहीं का, इतना देर हो गया, अभी तक सो रहा है। इतना कहकर सिखाने बलाई के ऊपर पानी डाल देती है। छोटा सा बलाई डर के उठ गया। जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके पिताजी के पास चले जा। उधर दुकान पर पिताजी अकेले मेहनत कर रहे हैं और इधर तो आराम कर रहा है। खुद की माँ तो मर गई, अब बाप को भी खाएगा क्या? जा अभी दफा हो जा यहाँ से। बलाई की हर दिन की सुबह इसी तरह ही शुरू होती है। बलाई की सौतेली माँ उसे आए दिन ऐसे ही परेशान करती रहती थी। छोटा सा बलाई सौतेली माँ को बिना कुछ कहे सुबह से लेकर शाम तक अकेला ही घर का सारा काम करता है। फिर वो अपने पिता की साइकिल की दुकान जाके बहुत सारा काम करता है। लेकिन उसके पिता ये सब अन्याय देखकर भी
अपनी पत्नी सीखा को कुछ नहीं कह पाते। बलाई, कुछ खा के आया है ना बेटा? नहीं पिताजी, मुझे खाना नहीं दिया। पता है तेरे माँ तुझे बहुत तकलीफ देती है, ठीक से खाना नहीं देती और स्कूल जाना भी बंद कर दी। ऐसा दिन आएगा ये तो मुझे पता नहीं था रे बेटा, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बाप बेटे मिलके पूरा दिन दुकान में काम करने के बाद रात को घर लौटते हैं। फिर जब खाने के लिए बैठते हैं, सीखा तब अपने बेटे टुकाई को मछली के दो टुकड़े देती है, लेकिन बलाई को देती है सिर्फ दाल और चावल। जतिन ये सब कुछ देख के भी कुछ नहीं कह पाते। माँ माँ, मुझे एक टुकड़ा मछली देंगे? मैं कितने दिन मछली नहीं खाया। जो दिया है वही खा, मछली नहीं मिलेगी। भाई को तो दो मछली दी, मुझे एक दो ना माँ। तो फिर से मेरे बेटे का खाने पर नजर लगा रहा है, जो मिला है वही खा। अरे एक तो मछली तुम टुकाई से लेके उसको दो ना, और वो तो दो मछलियाँ नहीं खा सकता। तुम चुप रहो जी, दिखाई नहीं देता? बिना अच्छा खाए मेरा बेटा कैसे पतला हो गया है, इसीलिए तो ज्यादा खाना दे रही हूँ, तुम अपना खाना खा लो। फिर जतिन अपने हिस्से की मछली बलाई को देने जाता है, लेकिन सीखा वो मछली भी बलाई को नहीं देने देती। ये देख जतिन बिना खाए ही उठकर चला जाता है। शांति मिल गई, पिताजी बिना खाए चले गए, देख के शांति मिला। अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, आज तेरा भी खाना बंद। इतना कहकर सीखा बलाई की खाना छीन लेती है और एक छड़ी लेकर बलाई को बहुत पीटने लगती है। छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, माँ छोड़ दीजिए। इसके बाद बलाई रोते हुए दौड़ के घर से निकल जाता है, फिर बहुत दूर चला जाता है। रात के अंधेरे में उसे पता ही नहीं चलता कि वो शमशान घाट पहुँच गया है। यहाँ आके वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट के बहुत रोने लगा। मैं अब कभी घर नहीं लौटूंगा, माँ आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? माँ सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, जरा सा भी प्यार नहीं करती, मुझे यहाँ छोड़ के तुम क्यों चले गए, क्यों चले गए? ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। और एक, सिर्फ एक बच्चे की लाश, लेकिन कई दिनों तक इस गांव में कोई बच्चा नहीं मर रहा है। नहीं नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ करना ही होगा, करना ही होगा मुझे। ठीक उसी वक्त योगिनी माँ एक लड़के को रोते हुए सुनता है। ये किसी बच्चे के रोने की आवाज है, आसपास से ही आ रही है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, माँ चामुंडा आपने मेरी बात सुन ली, अब इस जिंदा बच्चे को ही मार के मैं अपनी साधना पूरी करूंगी। डायन चुड़ैल जल्दी जा, जाके उस बच्चे को उठा के ले आ, फिर उससे ही मेरी साधना पूरी होगी। योगिनी माँ के आदेश अनुसार डायन और चुड़ैल वो लड़के के सामने प्रकट होती है, लेकिन वो छोटे बच्चे को देखते ही डायन के आंखों में आंसू आ जाती है। ये क्या, ये क्या, ये तो मेरा बच्चा है, लेकिन वो यहाँ रो क्यों रहा है, दिन रात को शमशान में क्या कर रहा है? जैसे ही चुड़ैल उस लड़के का गला दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी डायन उसे रोकती है। नहीं नहीं, उसे मत मारो, वो मेरा बेटा है, मैं तुझे मेरे बेटे को कभी भी मारने नहीं दूंगी। नहीं, ये असंभव है, योगिनी माँ की आदेश मुझे मानना ही पड़ेगा, तू हट जा। इतना कहकर
चूड़ैल डायन को धक्का देकर गिरा देती है और आंखों के सामने डायन, चूड़ैल ये सब देख बलाई बेहोश हो गया। डायन जाके बलाई को गोद में उठाती है, उसे बहुत प्यार करने लगती है और ये देख चूड़ैल तो हैरान रह जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ योगिनी माँ आती है। तुम दोनों मुझे धोखा दे रही हो, आज तुम दोनों को ही इस जादुई कमंडली में कैद कर लूंगी। खुद की भला चाहती है तो मेरी आदेश मान, उस बच्चे को मुझे सौंप दे वरना। ये कहते हुए योगिनी माँ उन दोनों पर जादुई पानी छिड़कने जाती है, लेकिन चूड़ैल अपने हाथ बढ़ा के योगिनी माँ की गर्दन पकड़ ली, फिर बोली, दुष्ट योगिनी, हमने तुम्हारी बात मानकर छोटे बच्चे के सबों का दाह संस्कार तक नहीं करने दिया, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज के बाद मैं तुम्हें इस शमशान में किसी भी बच्चे के सब के साथ तंत्र साधना नहीं करने दूंगी। बेहतर होगा तुम अभी इस शमशान छोड़ के चली जाओ, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ के खून चूस लूंगी। ठीक है, तुम दोनों को मैं देख लूंगी, बदला मैं जरूर लूंगी। इतना कहकर योगिनी माँ वहाँ से दौड़ कर भाग गई, लेकिन आज भी कोई उस शमशान में जाने से डरते हैं। और अगर रात में कोई गलती से भी अकेले चली जाए तो वो जिंदा नहीं लौटते। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नए मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।